तो एक दिल्ली के लोगों को, यूपी के लोगों को, भारत के लोगों को कंपेयर करना चाहिए। एक योगी है, एक केजरीवाल है, ठीक है। एक जो है अपने यहाँ सांप को नहीं पलने दे रहा है कि देश के लिए भविष्य में खतरा होगा, जैसे कश्मीर में हुआ। एक है कि वोट के लिए, स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए केजरीवाल जी अपने यहाँ सांप को पाल रहे हैं ताकि वो अपना जनसंख्या बढ़ाए और उसका जो लक्ष्य है गजवाए हिंद, यानी हिंदुस्तान पे इस्लाम का राज लाना, सरिया का राज लाना, उसके उस षड्यंत्र में जो जिहादी मौलाना ये काम कर रहे हैं उनको केजरीवाल जी वोट के लिए, अपने कुर्सी बचाने के लिए वतन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और अब केजरीवाल जी को स्वार्थ है, उनका कुर्सी है। इतना गुस्सा रहा है मुझे मनीष सिसोदिया पे, वो कचरा आदमी हमारे आराध्य देव राम को मनीष सिसोदिया गाली दे रहा था। इतना नीच सरा हुआ आदमी है कि अपने कुर्सी के लिए, मनीष सिसोदिया जो है दोगला और ये केजरीवाल जो है दोगला, ये अपने कुर्सी के लिए हमारे राम को गाली देता है। इतना बड़ा गद्दार है ये दोनों। शिवम जी, जिस तरीके से आज यूपी सरकार का बुलडोजर चला दिल्ली में और जितनी भी सिंचाई विभाग की जमीन थी उसको दोबारा से हटाया गया रोहिंग्याओं को वहाँ से, क्या लगता है कि एक तरफ दिल्ली सरकार के विधायक हैं जो बसाते हैं, दूसरी तरफ यूपी सरकार है जो इनको उजाड़ती है, कौन सही है? मैं तो सबसे पहले हृदय से योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि जिहादियों को उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीमा से उखाड़ फेंका। तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने एक ऐसा मुख्यमंत्री चुना जो अपने पास सांप को नहीं पलने देता है। कोई बेवकूफ ही होगा जो सांप को अपने पास पालेगा। अरे भाई, सांप पालोगे तो आज न कल काटवे करेगा। तो वही है जो यहाँ अमानतुल्ला खान है, ये सांप को पालता है और ये खुद ही सांप है तो पालेगा क्या? केजरीवाल इसको पाल रहा है अपने गुड़गा के रूप में। लेकिन रोहिंग्या जो है, ये मैं पूरे हिंदुस्तान के लोग को बता देता हूँ कि कितने मासूम हैं या कितने घातक हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो इतिहास है कि जो क्या कहते हैं म्यांमार जो है उसके एक भाग जो है वहाँ ये रहते थे, रहना है भाई, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं। लेकिन रोहिंग्या जो है, ये मुस्लिम जो है, ये वहाँ रहते थे, वहाँ हिंदू भी कुछ रहता था। और बौद्ध जो है वो शांति प्रिय समुदाय है, बम फोड़ने वाला शांति प्रिय नहीं, रियल में शांति प्रिय समुदाय बौद्ध को माना जाता है, जो पूरे विश्व में भगवान बुद्ध ने शांति की प्रेरणा दी, ठीक है। पूरा दुनिया उनको शांति का दूत मानता है, ओसामा वाला दूत नहीं, वास्तविक शांति का दूत। तो ये लोग का जनसंख्या जहाँ बढ़ता है ना मुस्लिम समाज का, तो उसमें से कुछ परसेंटेज कट्टर मौलाना मुल्ला खड़ा हो जाते हैं कि यहाँ सरिया लागू करो, यहाँ इस्लाम के अनुसार राज होना चाहिए, ठीक है। अभी तालिबान तो वर्तमान एग्जाम्पल है। तो ये लोग क्या किए, जिस देश में खा रहे थे उसी के साथ गद्दारी शुरू कर दिए रोहिंग्या। म्यांमार को तोड़ के बोल रहे थे अराकान मुझे नया देश चाहिए। तो बौद्ध लोग जो है, शांति प्रिय लोग, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम तुमको हमारे साथ रहना होगा, तुम मेरे देश पे हुआ जनसंख्या बढ़ा के हम ही से तोड़ दोगे म्यांमार को ही। तो इन लोगों ने आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया म्यांमार में। जब म्यांमार में ये रोहिंग्या मुस्लिम आतंकवाद फैलाने लगे तो वहाँ का आर्मी, भारत के लोग को सीखना चाहिए इससे, म्यांमार छोटा सा देश है, लेकिन उन्होंने अपने आर्मी, हिंदुस्तान के लोग भी देशभक्त हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जब सेना के जवान बोलते हैं कि आतंकवादी और पत्थरबाज जो आतंकवादी को बचाने आएंगे उनको भी आतंकवाद के तरह ट्रीट किया जाएगा, तो कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि ये सेना के चीफ जो है बिपिन रावत, ये सड़क छाप गुंडा की तरह बात कर रहे हैं। जबकि एक म्यांमार है जहां की जनता सेना का कदम से कदम मिला के आतंकवादियों से लड़ा। रोहिंग्या जो है ये वहाँ आतंकवाद फैला रहा था, और वहाँ जो हिंदू थे म्यांमार में वो बोल रहे थे कि हम साथ देंगे म्यांमार का, मेरा धर्म हिंदू है लेकिन हम म्यांमार की जन्मभूमि पे पैदा हुए हैं तो म्यांमार ही मेरा देश है। जिसके कारण रोहिंग्या आतंकवादी वहाँ हिंदुओं के गांव में आग लगा देते थे कि तुम म्यांमार को जो हम तोड़ के अपना देश बना रहे तुम उसके साथ क्यों नहीं आ रहे हो। तो जो भारत में रोहिंग्या को पालने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको भारत में बसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि रोहिंग्या ने म्यांमार में क्या किया जिसके कारण इसको वहाँ से भगाया गया। जब ये लोग वहाँ से भाग रहे थे तो 22 हिंदू परिवार जो एक गांव में था उस गांव में आग लगा दिए और हिंदुओं को
काट दिए, ये रोहिंग्या आतंकवादी जो हैं हिंदुओं को काट के उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको धरती के अंदर गाड़ दिए। इसका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, एक न्यूज़ चैनल ने वहाँ जाके ये कवरेज किया था कि किस तरह रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो म्यांमार को तोड़ना चाह रहे थे, जिसमें हिंदू समाज साथ नहीं दिया, बोला मैं अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ, मैं म्यांमार के ही साथ रहूँगा, तो उनको काट दिया गया और वहाँ से इन लोगों को भगाया गया है। और ये लोग भागे हैं क्योंकि ये लोग वहाँ उत्पात कर रहे थे, आतंकवाद कर रहे थे। लेकिन शिवम जी, जिस तरीके से आज योगी जी ने बुलडोजर चलाया, सुबह 4 बजे पहुँच गए, क्या लगता है कि ये सही था या पहले कोई नोटिस देना चाहिए था? बेशक सिंचाई विभाग यूपी की जमीन थी वो। देखिए, योगी जी जो है वो बेहतरीन काम किए हैं, आतंकवादी और जिहादियों को अगरबत्ती नहीं दिखाया जाएगा। तुम आतंकवादी हो तो आतंकवादी हो, तुम्हें जिहादी मतलब अगरबत्ती नहीं दिखाएगा। योगी जी बोले हैं कि जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो आतंक, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, करोड़ों का बिल्डिंग तोड़ दिए। यानी जो प्रियंका वाड्रा क्या कर रही थी वहाँ पे पंजाब में, मुख्तार अंसारी को बचा रही थी, और योगी जी क्या किए, वो जितना संपत्ति लूट के जमा किया था सारे संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए। भारत के इतिहास में एक मुख्यमंत्री पहला बार ऐसा हुआ है जो गर्व से कहता है हम हिंदू हैं, ये तो बात है ही, लेकिन साथ साथ कानून व्यवस्था जो है उस पर इतना, मतलब कोई भी उत्तर प्रदेश में जाके बोलिए किसी को, बोले मतलब सबसे बड़ा चीज़ अगर अभी आगे चुनाव होगा उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोग कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो गया। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, जो अपना दिल्ली सरकार का जो जमीन है, जो दिल्ली की जनता की जमीन है, वो जमीन जिहादियों को दे रही है। मतलब मोटा रुपया जो टैक्स पेयर का रुपया है, एक हॉस्पिटल दिल्ली में नहीं बनाए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली में एक हॉस्पिटल नहीं बनाए, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्ला मौलाना उसको सैलरी दे रहे हैं, मोटा मोटा रुपया केजरीवाल उसको दे रहे हैं। लेकिन अमानतुल्ला खान भी पिछले वीडियो वायरल हुए थे, वो गए थे और इन्हीं रोंगियाओं को जो ये सिंचाई विभाग की ज़मीन पर रहते हैं इनको 10-10 हज़ार रुपये और राशन दे के आए थे। क्या लगता है कि उन्हें नहीं पता था कि ये लोग गैरकानूनी तौर पर रह रहे हैं? देखिए, अमानतुल्ला खान जो है ये बहुत ज़्यादा आतंकवाद का समर्थन करता है, चाहे इसका बयान तो आतंकवाद वाला होता ही है, लेकिन ये आतंकवाद को जड़ से सपोर्ट करता है। चाहे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण वाला जो माना बम बनाया जा रहा था उसके साथ भी खड़ा हो गया अमानतुल्ला खान, जब दिल्ली में हमारे अंकित भाई के शरीर पे सैकड़ों बार किया गया। सोचिए कैसी जिहादी मानसिकता है कि किसी को मारना ही नहीं चाहिए, मारना है तो एक दो चाकू में मर जाता है, 200-300 चाकू बार मारा गया अंकित भाई को। क्यों? क्योंकि वो देशभक्त थे। और कौन मारा? केजरीवाल का जो नेता है ताहिर हुसैन, वो मरवाया, वो मारा, और उसके साथ कौन खड़ा हुआ? अमानतुल्ला खान खड़ा हुआ, ठीक है, और अमानतुल्ला के साथ कौन खड़ा हुआ? केजरीवाल खड़ा हुआ। तो एक दिल्ली के लोगों को, यूपी के लोगों को, भारत के लोगों को कंपेयर करना चाहिए, एक योगी है, एक केजरीवाल है, ठीक है, एक जो है अपने यहाँ सांप को नहीं पलने दे रहा है कि देश के लिए भविष्य में खतरा होगा, जैसे कश्मीर में हुआ, और एक है कि वोट के लिए, स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए केजरीवाल जी अपने यहाँ सांप को पाल रहे हैं ताकि वो अपना जनसंख्या बढ़ाए, और उसका जो लक्ष्य है गजवाए हिंद, यानी हिंदुस्तान पे इस्लाम का राज लाना, सरिया का राज लाना, उसके उस षड्यंत्र में जो जिहादी मौलाना ये काम कर रहे हैं उनको केजरीवाल जी वोट के लिए, अपने कुर्सी बचाने के लिए वतन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और अब केजरीवाल जी को स्वार्थ है, उनका कुर्सी है, और जिहादियों का इस्लाम का राज शरिया है, तो ये दोनों का कम्बिनेशन बन गया है, जिसके कारण ये जो है दिल्ली में ये षड्यंत्र चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश से तो उसको भगा दिए, जो कि बहुत अच्छा काम किए, चाहे वो रात में भगाए, दिन में भगाए, बिल्कुल सही किए। कि रोहिंग्याओं पर बुलडोजर आज जब योगी जी ने चलाया, उस पर दिल्ली के एलजी ने बोला है कि हम योगी सरकार के साथ हैं, उनके साथ मिल के काम करेंगे, और दूसरी तरफ केजरीवाल हैं वो चुप हैं। क्यों चुप है केजरीवाल? क्यों नहीं आज आके सामने बोले, या क्यों रोहिंग्याओं का या किसी का पक्ष नहीं रखा? देखिए, केजरीवाल जी जो है ना वो दोमुहा आदमी है। आज अमानतुल्ला भी नहीं पहुँचे वहाँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है, तो ये लोग जान के, जैसे राहुल गांधी गुजरात चुनाव में मंदिर मंदिर दौड़ रहे थे,
आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे, अमेरिका के राजदूत को बोल रहे थे कि वो हाफिज सईद है उससे ज़्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवादी है, राहुल गांधी ये बोल रहे थे अमेरिका के राजदूत को, ठीक है, विकिलीक्स ने इसको एक्सपोज किया था। ये क्या कर रहे थे, गुजरात में जाके मंदिर मंदिर दौड़ रहे थे। एक अंदर होता है, एक दिखावा होता है। तो केजरीवाल जी, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसीलिए जिस तरह दिल्ली में आतंकवादी के लिए आंसू बहाते हैं, राम मंदिर बनने पे गालियां देते हैं, वो जो है क्या किए थे, हनुमान मंदिर चले गए थे चुनाव के टाइम में। पहले क्या कर रहे थे, चुनाव के टाइम में क्या किए, तो वही अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो केजरीवाल जी जानते हैं कि अगर अभी आतंकवादी के साथ हम खड़ा हुए तो क्या होगा, हमको उत्तर प्रदेश की जनता वोट नहीं देगी। तो अभी वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश में ये लोग जो है, ये कृष्ण भक्त बन रहे हैं अखिलेश यादव, केजरीवाल जी भी पता चलेगा वहाँ बुजुर्ग को भेजेंगे अयोध्या, राम मंदिर बनने को जो मनीष सिसोदिया कचरा आदमी, इतना गुस्सा रहा है मुझे मनीष सिसोदिया पे, वो कचरा आदमी हमारे आराध्य दे राम को मनीष सिसोदिया गाली दे रहा था, इतना नीच सरा हुआ आदमी है कि अपने कुर्सी के लिए, मनीष सिसोदिया जो है दोगला और ये केजरीवाल जो है दोगला, ये अपने कुर्सी के लिए हमारे राम को गाली देता है, इतना बड़ा गद्दार है ये दोनों। और ये गद्दार जो है, इसको मस्जिद के दम पे इसका बाप मर जाता है, और मंदिर पे आके ये स्कूल अस्पताल का नौटंकी करता है। दिल्ली के लोग को समझना होगा कि किस सांप को उपाल रहे हैं, वो भारत में दिल्ली के लोग फिर बाबर का राज लाना चाहते हैं। अच्छा, योगी जी को जरूरत नहीं है रोहिंग्याओं के वोटों की? कोई जरूरत नहीं है योगी जी को, जब योगी जी को भी अगर रोहिंग्या का जरूरत पड़ गया तब तो हो गया। तो इसीलिए योगी जी जो हैं उनको रोहिंग्या को नहीं, उनको राष्ट्रभक्तों की जरूरत है। और योगी जी हो, मोदी जी हो, एक्स वाई जेड हो, मैटर नहीं करता है मेरे लिए। मैटर करता है कि हिंदुस्तान की जनता कैसी है। इजराइल की जनता जब बोलती है कि आतंकवादियों को मिटा दो, तो वहाँ सरकार एक्स की बने, वाई की बने, किसी की भी बने, वहाँ इजराइल की सरकार को आतंकवादियों को मिटाना पड़ता है। तो भारत की जनता ऐसी जनता बने इजराइल की तरह कि सरकार कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, किसी का भी हो, उसको आतंकवाद और रोहिंग्या को मिटाना पड़े, गद्दार को ना पाले। सरकार के अंदर इतना डर होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, आतंकवाद से अगर कंप्रोमाइज किए, रोहिंग्या बांग्लादेशी से कंप्रोमाइज किए, तो जनता हमें वोट नहीं देगी, और ये स्वार्थी लोग तुरंत सुधर जाएंगे।